हेलो फ्रेंड्स, इस समय जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं उन दिमाग में एक सिंगल क्वेश्चन आ रहा है, सर कैट 2018 के लिए हमें वर्बल में कैसे स्कोर करना है, एलआरडीए में किन चीजों पे फोकस करना है और क्वांट में क्या करना है। साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चन जैसे सर 10-12 में मेरा स्कोर अच्छा नहीं है, ग्रेजुएशन में परफॉर्म नहीं कर पाया, क्या मुझे 99% चाहिए किसी कॉलेज में जाने के लिए। तो इस वीडियो में भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से अपना सारा जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हाउ टू क्रैक CAT 2018. So my name is Saurabh Kothari. I have cleared CAT 5 times in a row. So let's start. यार सबसे पहले बात करता हूँ जो important doubt है, जो most important doubt है वो बच्चों का ये है, सर मुझे IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ में जाने के लिए क्या 99% चाहिए। नहीं चाहिए बॉस, नहीं चाहिए। दिमाग में से अपने डाउट निकाल दो, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज की डेट में हर IIM की प्रोफाइल जो है वो जो कॉल आती है वो आपकी काफी सारी चीजों पे डिपेंडेंट है, जैसे आपका 10th का स्कोर कितना है, 12th का स्कोर कितना है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या किया है, साथ में आपका कैट में क्या स्कोर है। तो सब चीजों को प्लस करने के बाद आपका निकलता है कॉम्पोजिट स्कोर और उस बेसिस पे आपको कॉल आती है IIM से या फिर किसी भी अदर बी स्कूल से। तो जरूरी नहीं है कि कैट में 99 चाहिए। आई नो पीपल हु हैव स्कोर्ड लेस देन 90% फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड दे हैव रिसीव्ड कॉल्स फ्रॉम IIM अहमदाबाद। इस साल भी अगर आप देखोगे तो 81-82% पे जनरल वालों को कॉल आई है बिकॉज ऑफ देयर प्रोफाइल। अगर आपने 10-12 में अच्छा स्कोर नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि आप कैट में या अहमदाबाद से आपको कॉल नहीं आ सकती, डेफिनेटली आ सकती है भाई। अगर आपका 10-12 में अच्छा स्कोर था तो आपको कैट में कम स्कोर पे कॉल आ जाएगी, लेकिन अगर मान लो आपका 10-12 में बहुत कम था तो भाई आपको कैट में थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ेगा। तो आपको जो पहले का स्कोर से अगर वो बेटर है तो आप कैट में कम स्कोर करोगे तो भी कॉल आ जाएगी, बट अगर पहले कम है तो यहाँ पे आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल सब चीजों में अगर आपका ठीक ठीक है तो यू विल गेट कॉल फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स। हाँ, इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे बी स्कूल्स हैं जो 10-12 का स्कोर नहीं देखते, जैसे FMS हो गया, ठीक है। तो FMS जो है वो डायरेक्ट आपको बुलाता है, ठीक है। बात करता हूँ SPJN की। SPJN में जाने के लिए भी भाई जरूरी नहीं है कैट में 99 चाहिए, इट इज वन ऑफ द टॉप बी स्कूल, लेकिन प्रोफाइल बेस पे आपका 85% पे भी सिलेक्शन कैट से हो जाता है। तो अपनी प्रोफाइल पे भी काम कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। मैंने भाई वीडियो डाली हुई है, ऊपर लिंक आ रहा होगा कि टॉप शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर MBA, तो उसे देख लेना, उससे और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करता हूँ अब मुझे एग्जाम के लिए क्या क्या चीजों पर फोकस करना है। एक बात ये ध्यान रखना कि कैट में कभी भी हमें 100 out of 100 क्वेश्चन नहीं करने होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन करूंगा तो ही 99% आएगी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं तो मेरे पास वर्बल सेक्शन है, मेरे पास क्वांट है और मेरे पास LRDI है। वर्बल के आते हैं 34 questions, क्वांट के आने हैं आपके 34 questions और आपके पास LRDI के आने हैं 32 questions। अगर आप टारगेट करो तो देखो बच्चों, वर्बल में अगर आपको टारगेट करना है तो आपका टारगेट लगभग होना चाहिए 30 attempts का, ठीक है। अगर आपने 30 attempt कर दिए हैं कैट में वर्बल में तो अच्छा है, एक अटेम्प्ट है, क्योंकि वर्बल में एक्यूरेसी जो है वो कंपैरेटिवली लेस होती है क्वांट और LRDI से। तो आप यहाँ ज्यादा अटेम्प्ट करो ताकि आपका स्कोर ज्यादा रहे। अगर क्वांट की बात करूँ तो 24 to 25 questions भाई इजीली हो जाते हैं, इन क्वेश्चन में आपको टारगेट करना है। कैट के एग्जाम में इस बात से सिलेक्शन नहीं होता कि आपने कितने क्वेश्चन करे, इस बात से सिलेक्शन होता है कि आपने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं। तो आपको ये आर्ट आनी चाहिए राइट क्वेश्चन पिक करने की। उसके बाद LRDI में अगर आपसे बात करूं तो आपको सिर्फ 16 questions करने हैं एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर। तो ओवरऑल जो आपके अटेम्प्ट है बच्चों वो अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, 70 के आसपास आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर आपका 70 के पास अटेम्प्ट है एंड आपकी 80% एक्यूरेसी है, मतलब अगर आपके 70 में से लगभग 55 questions सही है, तो बच्चों आपका डेफिनेटली टॉप बी स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो 100 में से 56 करेक्ट क्वेश्चन करते ही यू विल गेट कॉल्स फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स। तो ये चीज आपको फोकस करनी है। अब करना कैसे है, देखो वर्बल में स्कोर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, वर्बल एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसको इंप्रूव करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा भाई रीडिंग करो। आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, नोवल रीडिंग करो, उनका एनालिसिस लिखो, ठीक है। उसके बाद काफी सारे मॉक दो क्योंकि कैट में RCs बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद अगर क्वांट की बात करूं तो भाई क्वांट में मेरा सजेशन ये रहेगा कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एलजेब्रा और मॉडर्न मैथ
चारों पे बराबर फोकस करो, बेसिक से स्टार्ट करो। काफी बच्चे कहते हैं सर कैट का लेवल, कैट का लेवल, कैट का कोई लेवल नहीं होता है। आप बेसिक से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, आप बेसिक से अगर आपके स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप एडवांस क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। कैट कभी भी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देता है, वो आपके बेसिक को हमेशा टेस्ट करेगा। तो आप बेसिक अच्छे से करो, लेवल वन से लेवल टू पे पहुंचो और नंबर ऑफ सेक्शनल मार्क्स दो। जितने ज्यादा सेक्शनल मार्क्स दोगे क्वांट में उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। बात करता हूं एलआरडीए की, तो 16 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने हैं और 16 क्वेश्चन आपके डीआई के आने हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट की नहीं है, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है बच्चों वो आती है टाइम की, बहुत लिमिटेड टाइम होता है और हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको एलआईडी अगर इंप्रूव करना है तो भाई सेक्शनल मॉक दिया करो ज्यादा से ज्यादा, हर हफ्ते में 2 से 3 एलआरडीए के सेक्शनल मॉक लगाए करो। उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि बस जब मेरे पास 1 घंटा होता है तो मैं एलआर ज्यादा अच्छे से कर पाता हूँ, डीआई ज्यादा अच्छे से कर पाता हूँ, एंड साथ में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इन चीजों पर काम करना है। अब बात करते हैं भाई मेरा क्या रोल है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो, जो आपका एंड में पर्पस होना है। तो आपने जब बेसिक्स पढ़ लिए, आपने एडवांस पढ़ लिए, उसके बाद भाई 30 से 40 आपको फुल लेंथ मॉक्स देने हैं। एंड जब भी आप वीकली जब पढ़ाई कर रहे हो उसका आपको सेक्शनल मॉक देना ही देना है। जितने ज्यादा सेक्शनल मॉक दोगे उतना ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट आएगा। इसी से रिलेटेड भाई पूरी प्रिपरेशन, क्योंकि आपको चाहिए एक राइट गाइडेंस, जैसे मैंने आपको बताया। तो कोई क्या ऐसा है जो आपको भाई पुश कर सके पूरे साल कि आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें ये करना है। इसीलिए भाई हमारा जो है अचीवर्स बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से 1 साल का बैच है, जिसमें ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे 9 to 11 PM आपकी क्लास हुआ करेगी। तो आप कॉलेज से घर आके, ऑफिस से घर आके आराम से आप देख सकते हो। एंड इसमें भाई मैं एक एक चीज कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो आपको कैट के लिए इंपॉर्टेंट है, एमबीए के लिए इंपॉर्टेंट है, स्नैप, एनमैट, आईएफटीटीस, ये टॉपिक्स है जो सारे के सारे हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। तो आपके सामने भाई एक आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और आपके सामने एक ऐसा क्लासरूम बन जाएगा और इस क्लासरूम में मैं सारी क्लासेस कंडक्ट करूंगा। तो बैच है अचीवर्स बैच, स्टार्ट डेट मैं आपको बता चुका हूं 1 अप्रैल। हर ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे को आपकी क्लास होगी। भाई ये क्लास चलती रहेगी पूरे साल भर तक। पहले हम अगस्त तक कैट खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन शुरू करेंगे आईएफटी की, जैट की, सीमैट की, स्नैप की, ठीक है। इसमें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ 19 बुक्स। मैंने आपको बताया भाई बेसिक से एडवांस पे जाना है तो ये बुक्स जो है लेवल 1, उसके बाद लेवल 2 और उसके बाद लेवल 3 इस तरह से बनी हुई है। इसके बाद भाई आपको एक नेशनल लेवल की मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा मैं, जिसमें आपको 110 मॉक्स मिलेंगे लगभग, जिसमें 50 फुल लेंथ मॉक्स होंगे और 60 के आसपास सेक्शनल मॉक्स होंगे। और हर मॉक का एनालिसिस मैं करूंगा आपके साथ। भाई जो मॉक आप दोगे, आप कहां वीक हो, कहां स्ट्रांग हो, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, वो सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद हर क्लास के बाद आपको मिलेगा एक डेली असाइनमेंट। तो भाई ट्यूजडे को क्लास हुई तो ट्यूजडे की रात को आपके पास असाइनमेंट आ गया, वेडनेसडे को आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करोगे और थर्सडे को मैं उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो भाई आपने बेसिक क्लास में पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने जो है वो असाइनमेंट में सॉल्व करे, एंड दैट्स हाउ यू विल प्रोग्रेस। उसके बाद भाई आपको कैसे अपना वैट इंप्रूव करना है, जीडी कैसे करना है, पीआई कैसे करना है, ये सारे के सारे सेशंस मैं लूंगा, ठीक है। जितनी भी क्लासेस होती हैं भाई उसकी 80% क्लासेस मैं लेता हूं, चाहे वो क्वांट हो, चाहे एलआर हो, चाहे डीआई हो, चाहे जीके हो, ठीक है। अनुभव सर हैं वो इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस इसमें कवर करते हैं। जो भाई इसका फी स्ट्रक्चर है पूरे साल का, आप लोगों ने भाई मेरी काफी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। काफी सारी वीडियोस है भाई, ज्योमेट्री की वीडियो है, कंप्लीट क्वांट रिवीजन की वीडियो है, कंप्लीट एलआर रिवीजन की वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है, जनरल नॉलेज की वीडियोस है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। और उसी के रिस्पेक्टिव में भाई एकदम मिनिमम फीस रखी है पूरे साल भर की कोचिंग की, वो है 15,000 में आपको मिलती है ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे क्लासेस, उसका डेली असाइनमेंट और वैट। उससे भी बेस्ट पार्ट ये है कि मान लो कभी आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, 9 to 11 क्लास हुई, आप अटेंड नहीं कर पाए किसी रीजन से, आप ऑफिस में हो या कहीं हो, तो इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाती है उस क्लास की रिकॉर्डिंग। तो आप वो रिकॉर्डिंग देख के भी अपना रिवीजन भी कर सकते हो और मिस हो गई तो उस क्लास को रिपीट भी कर सकते हो। तो 15,000 में आपको बुक्स और नेशनल लेवल मॉक सीरीज नहीं मिलती है और बाकी सब चीजें मिलती हैं। एंड 20,000 में आपको बच्चों सारी की सारी चीजें मिलती हैं, ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे, 9 to 11 क्लास, 19 बुक्स, नेशनल लेवल मॉक टेस्ट सीरीज, डेली असाइनमेंट, वैट और रिकॉर्डिंग। और 15,000 में ये दो चीजें नहीं मिलती, 19 बुक्स और नेशनल लेवल मॉक टेस्ट सीरीज, बाकी रेगुलर क्लासेस, असाइनमेंट्स, वैट, जीडीपीआई और रिकॉर्डिंग, ये सब आपको प्रोवाइड होगा। इसी के साथ बच्चों मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक
200 डेज का एक्शन प्लान कि हर दिन आपको कैसे प्रोग्रेस करना है। मैं आपको बता रहा हूं कैट क्रैक करना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ो, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो, तो वो टाइम टेबल आपके सामने भाई मैं बना के दूंगा, उसी तरह से हम लोग पूरी पढ़ाई करेंगे एंड वैसे ही हमें पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है। अदरवाइज भाई अगर आप लोग अचीवर्स बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई उस स्ट्रेटजी पर आप भाई फॉलो करो, उसे तरीके से अडॉप्ट करो एंड नंबर ऑफ मॉक्स दो, सारे के सारे टॉपिक बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ो, अपने आप को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद भाई यू आर रेडी फॉर द कैट थिंग। एंड अगर अचीवर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स में 9995893705, मैं आपको बाकी डिटेल सेंड कर दूंगा एंड यू कैन ज्वाइन। द क्लासेज विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of April, तो भाई हमारे पास टाइम बहुत कम है एंड उसी टाइम में हमें बेस्ट यूटिलाइज करके वी हैव टू स्कोर द बेस्ट आउट ऑफ अस, तो हमें अपना बेस्ट स्कोर स्कोर करना है एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।